हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज़ राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो उसका नाम है डायलो। और जब मैंने इसको यूट्यूब पे सर्च किया तो मैंने जैसे लिखा डायलो तो जो मतलब एक ना नेपाली वीडियो आई, मैंने मतलब उसका नाम भी सेम था, जो इसका नाम है ना वही नाम था उसका। तो मैंने मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा वाह क्या बात है, मेरी वीडियो नेपाल में भी लोग देखते हैं, वाह सही है। फिर जाके थोड़ा मैंने नीचे देखा तो इसी नाम से एक कॉकबोरक वीडियो भी थी, तो जाके मालूम पड़ा अच्छा कॉकबोरक वीडियो भी है। वरना मैं वही सोचूं कि मैंने आज तक किसी नेपाली वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया है। मतलब वैसे एक वीडियो पे दिया है मैंने, पर वो एक टूरिज्म वीडियो थी नेपाल की, किसी म्यूज़िक वीडियो पे नहीं दिया। तो मेरे पास नेपाल के सब्सक्राइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? फिर जाके आया दिमाग में अच्छा नहीं ये तो कॉकबोरक है। ओके, तो ये छोटी सी मतलब इंसिडेंट था तो ऐसे शेयर कर दिया, पता नहीं मैंने क्यों कर दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि हमें क्यों बता रहा भाई। बस ऐसे ही है। चलो अब बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में। तो इस सॉन्ग को मतलब इसमें जो सिंगर्स हैं वो है रोमी मुरा सिंह एंड वॉन्सो त्रिपुरा। म्यूज़िक दिया है एज़ यूजुअल सुकांग देवर्मा ने। ये भाई साहब तो पूरी त्रिपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री पर रूल करते हैं, लिटरली हर जगह होते हैं ये। लिरिक्स एंड कंपोज्ड बाय वॉन्सोक त्रिपुरा। अच्छा, तो इन्होंने सिंग भी किया है रोमी मुरा सिंह के साथ, तो मतलब इन्होंने सिंग भी किया और लिरिक्स भी इनके ही हैं और कंपोजिशन भी इन्होंने करी है। ओके, सो अब मुआ है हेमन देवर्मा। मुआ का क्या मतलब होता है? MUA। मैंने काफ़ी बार देखा है पर मैंने कभी पूछा नहीं क्या मतलब होता है उसका। किसी को अगर पता है कि MUA क्या होता है तो ज़रा बताओ कमेंट सेक्शन में। तो ये जो MUA है ये है हेमन देवर्मा या फिर कम हेमन देवर्मा, वैसे हेमन ही होगा, हेमन थोड़ा होगा, हाँ अभी ना कुछ भी। सो अब फटाफट वीडियो को हम शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। Now let's start the video. फटाफट देखते हैं क्या है ये सॉन्ग डायलो। 1 2 3 वाओ, ड्रेसेस कमाल लग रही हैं, ड्रेसेस हाँ, एक्ट्रेस भी लग रही हैं वैसे, छोट क्यों बोलूं भैया। सब सही है। ऐसा कि मेरा दोस्त है शादियों दो वो सेम सब करता है पीने के बाद। कॉन्सर्ट हो रहा था क्या पीछे? खाने में श्री दियानो वैसा किस है वे दिखाने में श्री दियानो वैसा किस सेल्फी ना ना बिजी ताऊ खो दी नीनी सेल्फी रोग नगुई तंग हसला रोग लाए रमुई नीनी सेल्फी रोग नगुई तंग हसला रोग लाए रमुई चांकुले चांकुले
पूरी वीडियो में ना तो सबसे बेस्ट पार्ट जो उन्होंने किया है वो गर्ल्स ने किया। गर्ल्स का एटीट्यूड बहुत सही था, ठीक है, वो पूरी तरह से अपने जो है परफॉर्मेंस में थी और मतलब ओवरऑल गर्ल्स की जो है परफॉर्मेंस थी वो बहुत सही थी। दोनों अपने अच्छे स्टाइल में थी और एटीट्यूड में थी जो इस रोल के अकॉर्डिंग उन्हें चाहिए था। और जो बॉयज़ हैं वो भी जो है बहुत सही थे, पर मैंने बीच में देखा कि एक आध बॉयज़ थोड़े आउट ऑफ उसमें जा रहे थे, मतलब उनके सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पर सही था। मैं देख सकता हूँ कि बजट कुछ ज़्यादा नहीं होगा इस वीडियो का, पर फिर भी काम बहुत सही किया। और ये लोकेशन जो थी आई थिंक कोई कॉन्सर्ट वगैरह हुआ था और उसके बाद इसको शूट किया गया, क्योंकि पीछे पूरा था ना पूरा वो सेटअप वगैरह। तो डांस वाइज तो मैं भाई गर्ल्स को पूरे नंबर दूंगा, बॉयज़ का थोड़ा सा कम था बीच बीच में, कुछ बॉयज़ की एनर्जी थोड़ी कम थी और कुछ बॉयज़ थोड़े से मतलब उनकी सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। और सॉन्ग तो सही था, सुकांग देवर्मा जी ने एज यूजुअल बहुत सही काम किया और रोमी मुराद सिंह जी ने भी जो है बहुत सही काम किया और जो वो मेल सिंगर थे उन्होंने भी जो है सही काम किया। तो ओवरऑल वीडियो सही थी, पर थोड़ा सा और अगर ये मतलब जो है कर पाते तो वीडियो और अच्छी हो सकती थी। अभी भी थोड़ी कमियां हैं इसमें, ठीक है, जो मुझे लगी मैं भाई वही जो बता दी, मैं हमेशा ऑनेस्ट सा रिव्यू देता हूँ, तो ये मुझे तो लगा। बाकी सॉन्ग तो सही था ही, म्यूजिक अच्छा था ही, लिरिक्स आप बताओ। और अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।